बहुजन समाज पार्टी का गले में इन्होंने डाल रखा है और लग रहा है कि पूरे दमखम के साथ अजीत जोगी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप लोग निकले हैं। कितना लगता है, कैसे लगता है आपको कि अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री बने? देखिए, इससे पहले भी मुख्यमंत्री थे जोगी जी, उस समय भी बहुत ताकत शक्तिशाली थे और आज भी हम लोग ताकत महसूस करते हैं। ऐसा नहीं कि उनका मतलब स्वास्थ्य ऐसा है तो ऐसा नहीं, हम लोग दोनों पार्टियां मिलकर गठबंधन हुआ है, बहुत शक्तिशाली के साथ उतरे हैं और हम लोगों का समाज भी बहुत काफी मतलब इसमें सक्रिय है और मैं भी सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। कितना लगता है मायावती जी के साथ में आने से कितनी ताकत बढ़ गई है? ताकत पूरी 100% हो गई, 101% हो गई ताकत, क्योंकि ये हमारा छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, SC ST OBC का पूरा बाहुल क्षेत्र है और हमारी जनता SC ST OBC के लिए ही पूरा समाज के उनके हितों के लिए काम कर रही है और जो अभी शासन में जो बैठे हैं वो SC ST विरोधी काम कर रहे हैं और सभी जनता त्रस्त हो गई कि हमारा संविधान, एकमात्र जो संविधान है उसको हमको बचाना है। इसलिए हम जोगी जी के साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं और संविधान के ऊपर हम थोड़ी भी आँच नहीं आने देंगे। क्या कहना चाहेंगे? सरकार बनानी है, बहुजन समाज की सरकार लानी है, जोगी को मुख्यमंत्री बना के बहन जी को PM बनाना है। बहन जी को PM बनाना है? जी हाँ, पर चर्चा बहन जी महिला है, क्योंकि अभी महिला सुरक्षित कहीं नहीं है, इसलिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए SC ST OBC जो भी है सभी समाज के लिए हमें सुरक्षा चाहिए है, इसीलिए हमें जोगी की सरकार बनाना बहुत जरूरी है और बहन जी मायावती को PM बनाना बहुत जरूरी है। अब समय की ये तगाजा है, अभी हमारे लोगों को और हमारे बहुत से बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, सभी को काम मिलना चाहिए, एक साथ PM बनाना है। बेरोजगारी बढ़ रही है और यहाँ पर धंधे पूरे बंद हो चुके हैं और महिलाएं सुरक्षित हो और शराबबंदी बंद हो। शराब को हम टोटली बंद करेंगे और महिलाओं को पूरा जो हिंदू कोड बिल के माध्यम से हमारे बाबा साहब ने जो अधिकार दिए थे, बराबरी का अधिकार, वो बराबरी का अधिकार लेके रहेंगे। अभी 33% आरक्षण का बात कब से चल रहा है, विधायक बिल पास नहीं हो रहा, लेकिन हम 50% चाहिए हमको, अभी हम 33% भी नहीं चाहिए हमको, हम 50% लेके रहेंगे और पुरुषों के बराबर बहुत अच्छा काम करके दिखाएंगे, क्योंकि महिलाओं में बहुत अच्छी ताकत है, वो मैनेजमेंट का गुण उनको पैदाइश ही मिलता है। इस दफा हम देख रहे हैं महिलाएं जिस तरह से निकल के आ रही हैं, तो बहुजन समाज पार्टी या अजीत जोगी जी के लिए एक और ज्यादा ताकत मिल गई है महिलाओं? बिल्कुल, क्योंकि जोगी जी की भी वही विचारधारा है कि महिलाओं जितना अच्छा काम कर सकती है पुरुषों से 10 गुना काम महिलाएं कर सकती है, वो अपना घर संभाल सकती है, समाज को व्यवस्थित कर सकती है, देश को भी संभाल सकती है और अर्थव्यवस्था की बहुत अच्छे संभाल सकती है, इसलिए महिलाओं की ताकत बढ़ी हुई है। इसलिए सभी मतलब हमारे जो माननीय जोगी जी है उन्होंने महिलाओं के ऊपर मतलब बहुत ज्यादा विश्वास किया है। आपने कहा मायावती जी को PM बनाना है, कितना लगता है कि PM बन सकेंगे? बिल्कुल जरूर बनेंगे। अच्छा। हाँ, हमारे जितने भाई है बहुजन समाज के भाई बहन है सभी चाहते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी यदि PM बनती है तो जो भारतवर्ष में जो बिखरा हुआ आया है, जातीयता पर जो कुठाराघात हो रहा है वो नहीं होगा और उसके ऊपर ब्रेक लगेगा और जो हमारे आज़ादी के बाद जो हमारे समाज की व्यवस्था बदलने में सुधारने में लगी है और उसमें मतलब तरक्की होगी और हमारा समाज शिक्षित होगा और अपने अच्छे अच्छे कार्य करेगा, क्योंकि हमको अभी तक शिक्षा का स्तर हमारा ऊंचा नहीं हुआ है, क्योंकि सत्ता अभी तक उन्हीं के हाथों में है जो हमको अभी तक दबाते आए हैं और जब दबाते आए और हमारे लोग उनकी मतलब हाथ पकड़ के चलने की दशा में नहीं है, अभी वो अपना आवाज उठाने के लिए भी सक्षम हो रहे हैं हमारे लोग। हाँ, इसलिए बहुजन अब सरकार बनाएंगे। जिस तरीके से महिलाओं की यहाँ पर भागीदारी और उनका इतना दमखम के साथ में मायावती जी को PM बनाना है, अजीत जोगी को CM बनाना है, उसे कहीं ना कहीं लगता है कि रिजल्ट सकारात्मक आ सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आजाद के साथ सुशील कुमार, नेशनल इंडिया न्यूज, रायपुर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।